भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में तीसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इसको झटका कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इसके बिना भी सीरीज जीत चुकी है। दरअसल टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए भी मुंबई नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक तौर पर वहां से ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि केन विलियमसन इंजरी के चलते अभी तीसरे टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो भारत ट्रैवल नहीं करने वाले। आपको बता दें कि केन विलियमसन जो कि इस सीरीज से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे थे, लेकिन पहला टेस्ट उनको मिस करने का माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद दूसरा टेस्ट भी उन्होंने मिस किया और अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उसके तहत अब वो तीसरा टेस्ट भी मिस करने वाले हैं। केन विलियमसन को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी गैरी स्टीड ने बताया कि केन विलियमसन अपने ग्रोइन की इंजरी से परेशान हैं और उसके लिए रिहैब कर रहे हैं, अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं लेकिन भारत ट्रैवल नहीं करेंगे। अब उनकी वापसी को लेकर भी उन्होंने कहा है, वापसी को लेकर उन्होंने बताया कि अब आगामी जो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज होने वाली है 28 नवंबर से, उस सीरीज़ में खेलते हुए दिखने वाले हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में न्यूजीलैंड में तीन टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं और तीन टेस्ट मुकाबलों की शुरुआत 28 नवंबर से हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि उस सीरीज़ में किस तरीके से प्रदर्शन रहता है न्यूजीलैंड की टीम का, लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में आकर भारत को 2-0 हरा दिया है। अब उनकी नज़रें होंगी वाइट वॉश पर, क्योंकि आज तक कोई भी टीम ऐसा कारनामा नहीं कर पाई है भारत में आकर कि भारत को वाइट वॉश कर दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत में भारत को क्या वाइट वॉश कर पाएगी या नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि केन विलियमसन जो कि श्रीलंका के दौरे पर खेल रहे थे, वहां पर उन्हें ग्रोइन में इंजरी होती है, जिसके बाद से ही वो लगातार इस इंजरी की वजह से सफ़र करते हैं और बाहर हो जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि केन विलियमसन कब वापसी करते हैं और किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम उनके साथ खेलती हुई नजर आती है। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।